गहराई तक जाइए और अनंत स्रोत को खोजिए। जीवन की इस रणभूमि में सभी के साथ और सभी हालात में एक योद्धा की तरह साहस और एक विजेता की तरह मुस्कुराहट के साथ मिले। आप जितने सरल बन सकते हैं उतने सरल बन जाइए। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना सरल और खुशियों से भरा हो जाएगा। जीवन में खुशी रूपी वर्षा अहंकार रूपी पहाड़ों पर एकत्रित नहीं होती, परंतु यह बढ़ेगी आसानी से दयालु या उदार रूपी घाटियों में पहुंच जाती है। केवल अपने हृदय की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। हमें अपनी ही खुशी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें दूसरों की खुशी भी शामिल कर सकें। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुश रहने का मन बना ले तो इस पृथ्वी पर कोई भी और कुछ भी आपसे वो खुशी नहीं छीन सकता। अगर आपका मन मजबूत है और आप उसमें एक दृढ़ संकल्प स्थापित कर देते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। जाति, धर्म, वर्ग, रंग, लिंग या जाति के सभी पहलुओं को अनदेखा कर एक स्वामी मानवीय भाईचारे के उपदेश देता है। उनका लक्ष्य आत्मा के साथ पूर्ण एकता है। जैसे मैं औरों को प्रेम और मिलन देता हूँ, मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रवाह खोल देता हूँ। भूत को भूल जाओ क्योंकि वो हाथ से निकल चुका है। भविष्य को भूल जाइए क्योंकि वो आपकी तलाश से बाहर है। वर्तमान पर नियंत्रण करिए, अभी बिल्कुल अच्छे से रहो। यही बुद्धि लोगों का प्रवास है।